आप सभी को दिल्ली वाली आंटी का नमस्कार। आज हम आलू मटर गाजर की सब्जी बनाने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल आसानी से बन जाती है। देखिए, ये हमने दो गाजर लिए हैं और एक बाउल मटर लिए है, एक छोटा सा आलू लिया है और थोड़ा सा धनिया लिया है, ये दो हरी मिर्च लिए हैं और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। हमने एक पैन रख दिया है और थोड़ा सा इसमें हम ऑयल डाल देते हैं। अब हम इसके अंदर जीरा ऐड करते हैं। अब हमारा जीरा सुनहरा हो गया है, अब इसके अंदर हम हरी मिर्च और ये अदरक ऐड कर देते हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब हमारी हरी मिर्च अदरक भुन गया है, अब इसके अंदर हम एक चौथाई चम्मच हल्दी, एक चौथाई चम्मच मिर्च, एक चौथाई चम्मच धनिया और एक चौथाई चम्मच अमचूर, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, ये सारे मसाले ऐड कर दिए हमने। इनको भी हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। हमारे मसाले भून चुके हैं, अब हम इसके अंदर ये गाजर, मटर भी और ये आलू भी हम तीनों चीज़ के अंदर ऐड कर देते हैं और इसको हम चला के मिर्चें मैंने टेस्ट के अनुसार डाली है। यदि आप कम बर्ती करना चाहें तो वो कर सकते हैं। और नमक आधी चम्मच नमक डाल रहे हैं, जो कि आप कम बर्ती कर सकते हैं, जितना आप पसंद करें उतना आप डाल सकते हैं। इन सबको हमने मिला लिया है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए आंच धीमी कर दें और ढककर रख दें। इसमें हमने पानी का यूज़ नहीं करना, बिना पानी के ही हमको ये सब्ज़ी तैयार करनी है। अब हमारी सब्ज़ी को 10 मिनट हो गए हैं, हम देखते हैं हमारी सब्ज़ी तैयार होगी। यह हमारी सब्ज़ी अभी थोड़ी पानी है वो उसको सुखा लेते हैं, लेकिन वैसे हमारी सब्ज़ी गल चुकी है, पूरी तैयार है। देखिए, हमने सब्ज़ी में गाजर का ज़्यादा यूज़ किया है, आलू का कम किया है। गाजर आपको वैसे भी फ़ायदेमंद होती है, आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसलिए गाजर तो वैसे भी आपको खानी चाहिए। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं, इसको भी हम मिला देते हैं। यदि आपको सब्ज़ी बनाने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करूँगी। हमारी सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी है, वो भाप से पानी हो जाता है ना, तो वो पानी है उसको हम 2 मिनट के लिए सुखा देते हैं। अब हमारी सब्ज़ी का पानी पूरी तरह से सूख चुका है, अब हम इसको उतार लेते हैं और बाउल में पलट लेते हैं। अब हमारी सब्ज़ी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसकी सजावट के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से ऐड कर देते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को ज्वाइन करना। धन्यवाद। आगे मिलते हैं किसी नई चीज़।